hello everyone in this video i am doing an another case study based question which is based upon the chapter mensurations before i proceed with the question i would like to tell you that all these questions are self framed by me and the best part of this is that all these questions which i am taking as case study based questions these are the statements of the book of Questions given. So, I just need to convey that case study based questions are not something which have come from somewhere else. These are everything inside your book. The thing is this if you understand the basic formulae, the basic concepts, the case study based questions are not difficult for you. Another thing, whenever you are doing the case study based questions, रीड द स्टेटमेंट वंस ट्वाइस और इफ नीड यू मे रीड इट मोर टाइम्स अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट वंस यू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन वेरी इजी फॉर यू एंड एज ऑलरेडी आई हैव टोल्ड दैट इन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन यू अटेम्प्ट फर्स्ट बेस्ट फोर विच यू नो वेल और फिफ्थ पार्ट जो है वो आपको आता है या नहीं आता आप उसको लास्ट में अटैम्प्ट करें पहले वो फोर पार्ट करने हैं जो आपको बिल्कुल जिनमें आप कॉन्फिडेंट है राइट right? क्योंकि पहले फोर पार्ट ही इवेलुएट होंगे फिफ्थ पार्ट अगर आपका सही भी होगा उसको इवेलुएट नहीं किया जाएगा तो आपने बेस्ट फोर करने हैं राइट right? तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन अनूप स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग हिज हाउस इन अ विलेज अनूप ने क्या किया अपना एक घर बनाना शुरू किया विलेज में देयर वॉज टू मच शॉर्टेज ऑफ वॉटर इन दैट विलेज जहां पर उन्होंने वो लैंड खरीदी थी जहां पर घर बनाना शुरू किया वहां पर बहुत ज्यादा पानी की शॉर्टेज थी सो ही था कंस्ट्रक्टिंग अ वेल टू मीट द नीड ऑफ वॉटर तो उसने क्या सोचा कि मैं एक कुआ बना देता हूं वहां पर जहां से पानी जो है वो रेगुलर मिलता रहे ही डिस्कस्ड दिस मैटर विद हिज वाइफ अनुपम तो अनुपम ने क्या किया ये मैटर जो है वो अपनी वाइफ अनुपम के साथ डिस्कस किया एंड बोथ ऑफ देम डिसाइडेड टू गेट अ वेल डग और दोनों ने ये डिसाइड किया कि वो एक कुआं खुदवा लेते हैं दे हायर्ड फ्यू लेबर फॉर दिस वर्क उन्होंने इस काम के लिए कुछ लेबर हायर कर दिए दे गाइडेड द लेबर दैट द वेल शुड बी ट्वेंटी मीटर डीप एंड इट्स डाया मीटर शुड बी सेवन मीटर देखो वेल्यूज गई ना मैं फिर से इसको हाईलाइट कर रहा हूं कि जो वेल well है वो 20 मीटर डीप होना चाहिए और उसका डायमीटर कितना होना चाहिए 7 मीटर फर्दर दे कितना चाहिए लेबरर्स को बोला कि जो आप मिट्टी निकालोगे उसको भी वेस्ट नहीं करना है द अर्थ टेकन आउट शुड बी यूज टू मेक अ रेक्टेंगुलर प्लॉट उन्होंने गाइड किया कि इसका एक एक साइड में रेक्टेंगुलर प्लॉट बना दो जो उठने बैठने के काम आएगा और उसकी जो लेंथ है रेक्टेंगुलर प्लॉट की वो 22 मीटर होनी चाहिए 14 मीटर जो है वो उसकी ब्रेड चाहे वो उठने बैठने के या कुछ मान लो प्रॉपर किसी भी पर्पज के लिए यूज हो सकता है तो बेसिकली वट वॉज देयर पर्पज दैट द लैंड अर्थ शुड नॉट बी वेस्टेड सो बेस्ड अपॉन दिस इंफॉर्मेशन यू नीड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर वन द वेल डग विल बी ऑफ विच शेप जो कुआ उन्होंने खुदवाया वो किस शेप का होगा रेक्टेंगुलर स्कूर सिलिंड्रिकल या क्यूबिकल तो नेचुरली वो सिलिंड्रिकल ही होगा आपने वेल्स देखे भी हैं सिलिंड्रिकल ही होते हैं तो सिलिंड्रिकल इज इट्स आंसर वट विल बी द रेडियस ऑफ द वेल तो देखो डायामीटर आपको दे रखा है सेवन मीटर तो रेडियस क्या होता है डाया का हाफ दैट इज सेवन अपॉन टू मीटर तो कितना आएगा इसका आंसर दैट विल बी थ्री पॉइंट फाइव मीटर सो दिस इज द आंसर सी पार्ट नेक्स्ट इज वट विल बी द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट फ्रॉम द वेल जो उसमें से मिट्टी निकाली जाएगी उसका फॉर्मूला क्या होगा ताकि आपको उसका वॉल्यूम मिल जाए तो नेचुरली उसका वॉल्यूम वही होगा जो वेल का वॉल्यूम होगा और वेल तो सिलिंड्रिकल शेप का है अब आप चेक करो कौन सा फॉर्मूला है जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का है तो ये इसमें बी पार्ट इसका आंसर है पाई आर स्क नेक्स्ट हाउ मच आर्थ ब्रैकेट में वॉल्यूम भी लिखा है विल बी डग आउट कितनी मिट्टी जो है वो खोद कर निकाली जाएगी मैंने फॉर्मूला आपको अभी अभी दिया पाई आर स्क्र एच तो आप कैलकुलेट करके देख लो पाईज ट्वेंटी टू अपॉन सेवन आर स्क मीनस आर इज सेवन पॉइंट टू इंटू सेवन पॉइंट टू इंटू एच एच कितना है ये उसने दे रखा है ट्वेंटी मीटर तो ये सेवन और सेवन कैंसिल हो जाएंगे टू और ट्वेंटी टू भी कैंसिल हो जाएंगे टू और ये ट्वेंटी टेन ये बनेगा सेवन हंड्रेड सेवेंटी मीटर क्यूब तो इतनी अर्थ जो है वो बाहर निकाली जाएगी सो वट विल बी द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म सो फॉर्म अब देखो इस अर्थ से जो प्लेटफॉर्म बनाएंगे वो क्यूबॉइडल शेप का होगा और क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है एल इंटू बी इन टू एच इट इज इक्वल टू सेवन हंड्रेड सेवनटी इतनी अर्थ आ गई बाहर तो इसका लेंथ जो 22 है प्लॉट की ट्वेंटी टू दे रखी है ब्रेथ जो है फोर्टीन दे रखी है एच आपको निकालनी है इट इज इक्वल टू सेवन हंड्रेड सेवनटी एच तो कैसे आएगा सेवन हंड्रेड सेवेंटी अपॉन ट्वेंटी टू इंटू फोर्टीन इलेवन टूर इलेवन सेवेंटी तो एच की वैल्यू आ गई फाइव ओवर टू तो ये बन गया टू पॉइंट फाइव मीटर तो चेक करो कोई टू पॉइंट फाइव मीटर आंसर है आपके पास तो ये देखो दिस इज ए पार्ट टू पॉइंट फाइव मीटर अब यहां से कई और क्वेश्चन बन सकते थे क्या क्या कि व्हाट्स एवर द प्लेटफॉर्म इज फॉर्म्ड इट विल बी अ अच शेप तो अलग अलग आंसर दिए होते तो आप क्यूबॉइडल पे टिक लगाते फिर मान लो ये पूछ लेता कि वट विल बी द वॉल्यूम ऑफ अर्थ विच इज टू बी स्प्रेड आउट टू मेक द क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म वट इज द फॉर्मूला ऑफ दैट तो मान लो डिफरेंट फॉर्मूले लिखे होते आपने कौन सा यूज किया एल टू बी टू एच तो कई तरह के क्वेश्चन जो है वो एक आम सिंपल स्टेटमेंट के ऊपर फ्रेम हो सकते हैं इसलिए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो कोई बहुत ड्रावनी चीज नहीं है इट इज वेरी सिंपल प्रोवाइडेड यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ द कॉन्सेप्ट यू शुड लर्न द फॉर्म्यूलाई गिवन इन योर बुक सो एंड last but not the least a statement must be read very properly and do not forget best for best for hope you have understood the solution explained in the video i would appreciate if you like each and every video comment also and share the link of the channel with your friends so that maximum students can get benefited with my guidance thank you